नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। झांसी मऊरानीपुर उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड में मदरसे के नाम से दर्ज संपत्ति का कूट रची दस्तावेज तैयार कर बैनामा करने से आक्रोशित मुस्लिम बंधुओं ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग की गयी है। आसिफ इकबाल सचिव वक्फ नंबर 918 मौरानीपुर ने जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया, मोहल्ला अलियाई में वक्फ बोर्ड मदरसे की संपत्ति है जिसको आरोपी गुंडई के बल पर कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा कर दिया एवं कब्जा करा दिया है जिससे मुस्लिम समुदाय में रोष है। प्रार्थना पत्र में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कब्जा दखल दिलाने की मांग की गई है। मेरा नाम चांद रायन है। ये मामला व्यक्तिगत हमारा नहीं है, ये मऊरानीपुर की मुस्लिम समाज का मामला है और मऊरानीपुर की मुस्लिम समाज ने एक एक रुपया दे करके और तमाम माने धन से सहयोग से माने जो संपत्ति जकात फितरा दे करके जो संपत्ति मुस्लिम समाज की थी, चूंकि मोहल्ला अलियाई में एक मदरसा था, वो मदरसा किसी ने वक्फ किया था सवाबे जारिया के लिए। मुस्लिम धर्म के हिसाब से जो भी चीज़ वक्फ की जाती है वो सवाबे जारिया के लिए की जाती है, तो वो सवाबे जारिया के लिए वो संपत्ति वक्फ की गई थी जो मदरसे के लिए दी गई थी। अब जो मदरसा चला रहा था व्यक्ति, उस व्यक्ति ने उस मदरसे को बेच दिया है, चूँकि उसका चलाने का दायित्व था ना कि उस जमीन को बेचने का था, लेकिन वो जमीन फर्जी तरीके से बेच दी गई है जिसमें इसमें जो है कार्यवाही निरंतर चल रही है, लेकिन व्यक्ति बहुत मजबूत है, पैसे से और तमाम माने हथकंडों से वो चीज को उलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम और समाज के लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है न्यायालय से हम लोगों को न्याय मिलेगा और हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोगों को उसका माने बायकॉट करके और हम लोगों की जीत होगी और जो भी चोर हैं इसमें उन चोरों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही सख्त से सख्त होगी। मेरा नाम नफीस सौदागर है। सर, हमारे अलियाई मोहल्ला में 40 साल पुराना मदरसा था जो बब माफियाओं द्वारा बेच दिया गया है। इसके लिए हम लोग एक साल से संघर्ष कर रहे, माननीय मुख्यमंत्री से लेकर जिलाधिकारी तक हम लोगों ने सारे पत्रों के माध्यम से सूचित भी कराया, तो इसमें साहब इन लोगों की पकड़ इतनी है कि हम लोग बबोर्ड सरकार को भी, बबोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार को हम लोग जांच करा चुके, इसके बाद भी कुछ नहीं, कमेटी बना दी उत्तर प्रदेश सरकार ने, हम लोगों की कमेटी बनाई 12 सदस्यीय, इसके बाद भी सर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बफ माफिया इतनी पकड़ मजबूत रखे हुए हैं, काबज किया करके उसको बेच दिया गया है। 918 के नाम से हमारा ये बफ की प्रॉपर्टी है, इसको नगर में ही एक व्यक्ति को किराए बिक्री कर दी गई। अभी कमेटी की तरफ से क्या क्या तुम लोगों ने कार्रवाई? हम लोगों ने साहब डीएम साहब को भी पत्र के माध्यम से एप्लीकेशन दी है, इसके उचित कार्रवाई की मांग करते हैं कि हमारा भी अपनी जांच बोर्ड को भी जांच के आदेश दिए कि इसका हमारा कब्जा दिलाया जाए, जल्द से जल्द कार्रवाई करने की कृपा की जाए। अभी आप कहां पर आए हुए हैं? मैं तहसील दिवस में डीएम साहब के सामने आया हूं, मैं कब्जा दिलाने के संबंध में ये हमारी एप्लीकेशन है। हाँ, अल्पसंख्यक अधिकारी को आदेश दिए कि ये उसकी छाया प्रति है।